अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद। मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, बताता हूँ क्यों, बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू स्पीक। मेजर जनरल डॉक्टर सुभाष सरन सर, श्री साजी भाई जो चले गए हैं अभी, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेजर जनरल राज मेहता सर, ब्रिगेडियर अजीत सिंह शेखावत सर, ब्रिगेडियर बी एस मेहता सर, कर्नल एस फ्रांसिस जी, डी पी सबरवाल जी, पद्मश्री कानू भाई टेलर साहब, पद्मश्री मातुरभाई, श्री घनश्याम सोनी जी, आईआरएस ऑफिसर जो है नहीं, आप मुझे, मैं मिल नहीं पाया उनसे, आईपीएस ऑफिसर साहब हैं, हरिकृष्ण पटेल साहब, शरद विवेक सागर जी और कांजी भाई जिनने कार्यक्रम किया। ये मेरी जिम्मेदारी है और बहुत छोटा इंसान हूँ, पर्ची वाले आदमी हैं पुराने, खर्रा लेके आए हैं अपना, हाँ पर्ची है, ऐसे बैठे हैं दर पे शरीफ जिनने जैसे नकली नकी हो, ठीक है। सो एक काम करें, आप लोग गदर ना मचाएं, सामने आ जाएं और बैठ जाएं, है ना, किसी को धक्का नहीं लगा, आ जाओ जल्दी आ जाओ अगर हम आ जाओ। और जब तक आप अनुशासन में रहेंगे हम भी अनुशासन वाली भाषा बोलेंगे। सो देखिए, वक्त बहुत हो चुका है, मुझे लगता है जनरली ये हम दो बार सो के दो बार जाग चुके होते। सबसे पहले शुरुआत जहां से करना है, मुझे कुछ बोलने बचा नहीं है। पहली बात तो जश ने कुछ नहीं छोड़ा, कहां गया जश, हां तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए बोलने को। एंड देन जो बचा था मेरी औकात, आपने देखा जब सम्मान के लिए मुझे बुलाया जा रहा, मैं जानबूझ के पीछे जा रहा हूं, उसकी कारण है मैं समझता हूं मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं शहीदों के परिवार का सम्मान करूं, मुझे नहीं लगता मेरी इतनी औकात है, तो इसलिए मैं भागता हूं सम्मान से। दूसरा, ये खाली कुर्सियों से मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, कचरा पूरा साफ हो चुका है, अब वही बैठे हैं जिनको सुनना है, मतलब जिनको इन शहीद परिवारों के लिए इज्जत है वही यहां है, वरना जितने फोटो सेल्फी के लिए आए थे निकल चुके हैं। मेरी तरफ से आप सभी जो यहां बैठे हुए हैं, अपनी अपनी माताओं और अपने परिवार के लिए एक बार ताली बजाएं, उनके लिए, उन मां बाप के लिए। आज जिनको वर्दी पहनी है, मेरी, मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया और मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाया हूं उस देश के लिए, लेकिन इतना थोड़ा बहुत काम किया है कि गोरों से अपर पर घंटे के 45 लाख रुपए ले लेते हैं बात करने के लिए, तो ठीक है, हमारा अलग टाइप का बदला है। मेरे घर में ज्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि बच्चों में, लड़कों में सिर्फ अकेला बचा हूं, मेरे घर में भी शहादतें बहुत हुई हैं, इसलिए मुझे पता है दर्द क्या होता है। आप, मैं पर्ची लाया हूं, पर्ची से बात करूंगा क्योंकि ज्यादा बात करने का मन नहीं है आज दोस्त। एक चीज और लगी, जो ऑर्गेनाइजर साहब है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगली बार कभी भी शहीदों के परिवार को जब हम बुलाएंगे ना, तो उन्हें पीछे की पंक्ति में मत बिठा लिएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है बहुत बड़ा। हम उनका सम्मान अलग स्तर पर रखते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह साहब से शुरू करूंगा, आपके, आप कहें तो मैं अभी भी चुप हो सकता हूं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। नहीं, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है मैं संतों से, संतों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि एक मेरी पुरानी लाइन है, मैं हमेशा कहता हूं कि लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें कि तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या लेगा, और सुना है तेरे हजरत इकबाल की वसीयत है, तुझे जो एक फकीर देगा नवाब क्या देगा। तो फकीरों की, संत फकीरों का देश है दोस्त, अपना अपन उसी की इज्जत करते हैं, शहीदों वीरांगनाओं का देश है। वो जो शहीद परिवार बैठे हैं ना, मेरी तो सही बात है औकात कुछ है नहीं, मैं ये कहता हूं आप सबके सामने कि इन शहीद परिवारों के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं, क्योंकि नहीं ये नकली लगे आधे लोग हमें, है ना,
हाँ दोस्त, हम पर, हमारी रूहों पर यह कर्ज है उनका। भारत में एक छोटी सी समस्या है जिसमें मैं हमेशा से बोलते आया हूं, आर्टिकल 19 के बारे में सुना है? शुद्ध भाषा में बकैती बोलते हैं, जो न्यूज चैनल पर बैठ के सेना की कार्यवाही पर सवाल उठाते हैं वो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्त, संविधान ने हाथ बांध रखे हैं, वरना मेरी मां ने भी शेरी पैदा किया, जिस दिन संविधान ने छूट दी बीच से चीर देंगे। दोस्त, गद्दारों के लिए जवाब यह है, जिसको वो हीरो बना के बैठे ना, अगर तुम लोग लाइव हो गए और ये वीडियो है जो है सुन लो, सुन रहे, मौलाना अजहर मसूद, बशीर अहमद, बख्तार हुसैन, हाफिज सईद, पहले भी बोला था, तेरा बंगला नंबर भी पता, घर भी पता, सुन बात, तुम्हारे धड़ों पे आतंकवादियों को आज बोल रहा हूं, हिंदुस्तानी फौज का एक बच्चा, एक वो आदमी जो हिंदुस्तानी फौज से बे इंतहा मोहब्बत करता है, वो कह रहा है जिसके घर में उतनी शहादत है, और इतिहास मेरा भी जरा चेक करके आइएगा, 40 पन्ने का मेरे घर का भी इतिहास है इस देश के लिए। सुनो रे, मौलाना अजहर मसूद, बशीर अहमद, बख्तार इल्लाही, हुसैन इल्लाह, सुन, जितने हो तुम लोग, जितने हो ये कैमरे वीडियो देख लेना, सुन रहे, तुम्हारे आतंकवादियों के धड़ों पे जो सर है वो हिंदुस्तानी फौज की अमानत है, जिस दिन चाहेंगे काट लाएंगे। वो तो छोड़ के रखा है इसलिए कि चलो बच्चे हैं, खेल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, टेररिस्ट टेररिस्ट। हाँ दोस्त, क्रांति का रास्ता सरल नहीं है। स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था, मैं बहुत फॉलो करता हूं शहीद आजम की, एक बात बताता हूं आपको, पता है शहीद आजम ने गवर्नर जनरल को एक लेटर लिखा था 1927 में, सॉरी 1927 के जिस केस में पकड़ा गया, 1930 में उनने एक लेटर लिखा 7 मार्च को, उस लेटर में लिखा था कि आप मेरी फांसी की सजा माफ कर दें। आपको पता है पूरे दुनिया के मीडिया ने छापा कि भगत सिंह ने माफी मांग ली, पूरी मर्सी पिटीशन मालूम है क्या लिखा था, जो यूथ हो ना आप, शहीद आजम भगत सिंह साहब को पढ़ना जरूर, अनपढ़ क्रांतिकारी सिर्फ पगला होता है, कोई काम का नहीं होता, बेवकूफ होता है, इसलिए पढ़ना जरूर बेटा, अपने इतिहास को पढ़ो, हमें इतिहास मिटा दिया गया इस पे हमारा, इसलिए हमारे पास गौरव नहीं है। उनने ये कहा था, दराय एम अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, आई शुड बी डेल्ट एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आई शुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, इट इज एन इंसल्ट फॉर मी दैट यू आर गिविंग मी अ परमिशन ऑफ हैंगिंग, आप मुझे फांसी की सजा देकर क्रांतिकारी का अपमान कर रहे हैं, मुझे राष्ट्रद्रोह और आपकी रानी के खिलाफ विद्रोह में मुझे तोप से बांध के उड़ाया जाए, यह मेरी आखिरी इच्छा है। वो जज्बा क्यों नहीं दिखता? जितने चले गए उनके बारे में बस एक ही चीज कहेंगे, खाली स्थान भरो। क्या है मैं नहीं कहना चाहता हूं, दूसरी, अपने बच्चों को वतन के बारे में बताइए। बच्चों को वैसे भी डोरेमोन और छोटा भीम और व्हाट्सएप से ज्यादा प्यार हो गया आप लोगों से ज्यादा। बच्चों को बताना जब आप लोग पेरेंट्स बनोगे, जल्दी खत्म करना है मेरी, हा सिर्फ इंटरनेट के योद्धा मत बनो, ताकतवर बनो, ज्ञानी बनो, पढ़ो, पैसा कमाओ। ध्यान रखना बेटा, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है, जब पैसा होता है तो वतन की भी बहुत मदद कर पाओगे, इसलिए पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, ईमानदारी का करिए। फौज को, सर हैज राइटली मेंशन्ड इट, कि फौज को कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है मैं हर वीडियो में ये कहता हूं, फौज को सम्मान दीजिए, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि फौज को कुछ दे सके, जिसने अपना लाल दिया है ना तुम क्या दोगे उसको, जिसने अपना बेटा दे दिया है। होली सब मना रहे थे, मैंने बैठकर रोकर लाइन लिखी थी, वो लाइन ये है कि तिरंगे, ये लिखा है मैंने होली की रात को, तिरंगे के नशे से बड़ा कोई चरस गांजा भंग नहीं। भांग समझते हो, बहुतों ने पी थी, मेरे से बड़े नशेड़ी कोई नहीं होगे, मेरा सवेरे सवेरे चढ़ता है इंकलाब का, है ना, तो पता नहीं आधों का तो रात को पीते हैं उतर जाती है, मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा हूं। तिरंगे के नशे से बड़ा कोई चरस गांजा भंग नहीं, तिरंगे के नशे से बड़ा कोई चरस गांजा भंग नहीं, लगा लो जितने होली के रंग है कल उतर जाएंगे, ऐसा है मेरी बसंती के रंग से गहरा दुनिया में कोई रंग नहीं। तो दोस्त, बसंती का नशा करें, हमारा वो नशा है। एक बड़ी अच्छी लाइन है मेरी छोटी बहन की, सुने
कि अगर माटी के पतले जिस्म में ईमान जिंदा है तभी तक मेरे वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्त शायरी ऐसा है, शायरी 50 शब्दों को बहुत कम में खत्म कर देती है। न गिरजाघर जानता है, न गुरुद्वारा जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है, वो निवाला है नहीं बस बोल बच्चन करेंगे सब। इसीलिए दोस्त हम रोटी दिवस का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन इस देश में रोटी दिवस मनेगा। 67 करोड़ से ऊपर भूखे बच्चे हैं जो सोते हैं गलियों में, इसलिए जब घर लौट के जाना ना अपनी आधी रोटी भी उन बच्चों को देना जो भूखे गली में सो रहे हैं, वो भी मेरा हिंदुस्तान है। दोस्त ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना पुराण से चलेगा, हिंदुस्तान है यारों संविधान से चलेगा। इसलिए कानून का सम्मान कीजिए और गलियों में शराब पीकर गाड़ियां मत चलाइए। मैं बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो आप पीजिए, आप भिड़ जाइए, आपका जीवन है, हमारा कुछ लेके नहीं जाओगे, आपने पट जाओगे। राइट, चलिए आखिरी की दो है। न किसी छत पर हरा झंडा रहने दो, न किसी छत पर भगवा झंडा रहने दो, मिलो गले इस तरह यारों कि हर एक छत पर तिरंगा रहने दो। दोस्त अभी जो राजनीतिक माहौल है, चुनाव आने वाला है, अगर दंगे आसपास दिखें और अगर आपको लगे कि आप सेफ नहीं हो, अगर हर न्यूज चैनल पे आपको समझ में आए कि बस देश खत्म होने वाला है, समझ लो आसपास चुनाव का माहौल है। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक ही रहने दो हमारे शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। ये किसी के सगे नहीं है, नेता को सजा नहीं होगी बेटा कभी। वो गरीब बच्चा जो पत्थर मार रहा है ना दंगे में वो फंसेगा, इसलिए ये बात याद रखना, कभी किसी के लिए पत्थर मत उठाना। उठाना है तो बंदूक उठाओ, वो भी वतन के लिए, फौज में जाओ और काम करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी एक जिक्र हुआ था। घर से निकले तो देखा है किनारा कि पता चला कि कोई फौजी था हमारा, मर गया बेचारा, सत्ता का था हमारा, बड़ा तंगी से मारा था, उसकी छाती पे तमगे लगे। लोगों ने कहा ये तो फौजी था बेचारा। जब उसकी वर्दी उठा के देखी तो उसने खंजर से अपने पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्त वो उसका जज्बा होता है। और आखिरी में कुछ नहीं दोस्त, समय यही है, आग है जो पागलपन है, लोग पागल कहते हैं, तो बिस्मिल साहब ने एक लाइन लिखी थी, सुना के जाता हूं। रही बात इतिहास की, जब कहोगे 6 दिन तक बात कर सकता हूं, 9,000 किताबें पढ़ के यहां आया हूं, ऐसे नहीं बैठा हूं। और दोस्त बड़ी बात क्या है, अपने आप का सम्मान करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, उन शहीदों के लिए। आखिरी में 4 लाइन है मेरे इस तरफ से दोस्त, रिवर्ब दीजिए थोड़ा सा रिवर्ब दो। जो चले गए ना उनकी दिल की क्या आह थी वो सुन लो। सुनाऊं या फिर? ठीक है, जय हिंद, हो गया, थैंक यू। ये आपकी मोहब्बत मुझे बहुत ताकत देती है, यही प्यार है, और मेरे पास और कोई कमाई नहीं, फकीर सा आदमी हूं यार दोस्त, वो बात दूसरी है, दुनिया की सब चीज है। ठीक है, अपन मॉडर्न फकीर हैं, अपनी मेहनत से कमाई, टैक्स पूरा भरते हैं, किसी के पिताजी को नहीं खाते हैं। खुश रहो, थोड़ा खुश रहो अहले वतन। आप सब वो शहीद जाते जाते उसकी भावना समझिए, जो इस देश के लिए, वतन के लिए। ऐसा है, आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, बीजेपी की 1980 में हुई, या 80 से 86 के बीच में, 1885 में बनी कांग्रेस, उसके पहले भी हिंदुस्तान था, है और सबके बाद रहेगा। इसलिए पार्टियों में मत बटना यारों, मैं एक पॉलिटिकल आदमी, अपन को किसी से मतलब नहीं, ना हम किसी सरकार के सके, ना किसी के उपकार के सके, हम सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों और किसानों के परिवार के सके। डरते अपन अच्छे अच्छों से नहीं है, क्योंकि लंगोट रखी है टाइट और पेपर रखे है राइट, अपन को नहीं डर लगता किसी से। खुश रहो, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने उसी आग को, आग सीनों में जो हम लगा के चले। क्या हुआ नींद
सो गए, मरते मरते भी सोच तो नींद आई। अगले बार फिर जन्म लेंगे, हमारे धर्म में बड़ी परमिशन है बार बार जन्म लेने की। क्या हुआ वो भाई की लाश याद आ जाती है, क्या बताएं, चलो। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। खुश रहो खुश रहो अहले वतन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी का। क्या आप अभी तक रहे, एक बार जोर से, अगर हिंदुस्तानी मुझे तो लगता है सब, और जो नहीं है उनका अपन कुछ नहीं कर सकते। इस देश में दो कौम है जिनको एक जिनको पाकिस्तान अच्छा लगता है, उनके लिए अपन इस तरह कहेंगे छोड़ो। एक बार हिंदुस्तान के लिए, उन शहीदों के सम्मान के लिए जय। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, चलिए कोई बात नहीं, बैठे रहिए क्योंकि बहुत कठिन काम कर रहे हैं आप इस देश के लिए बैठकर, बट अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि शहीद तो बेचारे चले गए। बद्दा प्लीज बे मिनट, अपने आप प्रोग्राम पूरा करे, राष्ट्रगीत ने मान आप पूछे प्लीज। जय चालो का जय हिंदी नहीं निकल रहा, बताइए देश के लिए करेंगे ये युवा। तुम लोग को बाहर ना कुछ लोग गंजेड़ी बोलते हैं, सुधारो अपनी छवि, इज्जत दांव पे लगी है युवा की, कुछ करो इस वतन के लिए दोस्त। जो तुम करते हो मोबाइल से करो, लेकिन माँ और बहन और बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल को मत देना, जरूरी है, इससे क्रांति आएगी, लेकिन परिवार से बड़ा नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी यही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। जय मातरम भारत माता की जय। मैं भगवती तेरे से दुआ कर रहा हूं, इनका एक्सीडेंट करवा, इनके हाथ कटवा दे, जो वतन का सगा नहीं, जो वतन का सगा नहीं वो मेरा क्या सगा होगा किसी का। अगर आप वतन से मोहब्बत ही करते इस देश में आपको हक नहीं है। जय अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।